हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये ऑल अबाउट चैपियरी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और आपका बर्ड्स भी हेल्दी और अच्छे हैं। तो आप लोग को पता ही है कि विंटर आ गया है, और जैसे आप लोग को पता है मैंने पहले वीडियो में शेयर किया था, मैं कुछ गोल्डन और लॉन्ग टेल फिंच को ले आया था जिसका अभी पूरा रेडी हो चुका है उन लोग, और उन लोग को मैं अभी एक महीना घर पर सेट कर लिया। अभी उन लोग को आज बस्केट प्रमोट करेंगे जो है नेस्ट बस्केट, तो उसी के ऊपर ये वीडियो बन रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा होगा, और जो कोई भी दोस्त मेरा यूट्यूब चैनल पे नया है तो उन लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि मैं बर्ड्स एंड पेट्स रिलेटेड बहुत सारा वीडियो डालता रहता हूँ। जो भी नॉलेज है मेरे पास वो मैं डालता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, ये है वो सब नेस्ट बास्केट जिसको मैं आज प्रोवाइड करूँगा। गोल्डन फिंच और मेरा लॉन्ग टर्म फिंच ये सब भी रेडी फॉर ब्रीडिंग है, तो सब के लिए आज मैं ये सब बास्केट प्रोवाइड करूँगा। अब देख ही पा रहे कि मेरे पास तीन चार टाइप का बास्केट है, क्योंकि ऑलरेडी जो बास्केट ये देने से ही ये वाला बास्केट जो है ये लॉन्ग टर्म और गोल्डन फिंच को देने से अच्छा होता है, क्योंकि इसका स्पेस भी बहुत है और डेप्थ भी बहुत होता है। तो मगर मेरे पास ये ख़त्म हो चुका है, दूसरे बर्ड्स को मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ जो लॉन्ग टेल और गोल्डन फिंच ऑलरेडी ब्रीडिंग पे है, उन लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो फिलहाल तो ये टाइप बास्केट मेरे पास दो ही पड़ा हुआ है, और ये एक पड़ा हुआ है इसको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और जो दो गोल्डन है, गोल्डन के लिए मैं ये वाला नेक्स्ट बास्केट और ये वाला भी यूज़ कर लूँगा। लॉन्ग टेल को एक लॉन्ग टेल जो है ये दूँगा, और ये मैं ये दूँगा, बाकी तीन गोल्डन को मटकी और ये बस्केट मिला के दे दूँगा। तो आप लोग को दिखाते हैं मैं क्या नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करता हूँ। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये है कोकोनट फाइबर, ठीक है, ये भिगो के मैं रखता था, उसके बाद इसको अच्छे तरीके धूप में सेक कर इसको पूरा एकदम मुलायम तरीके का बनाना पड़ता है। ये है कोकोनट फाइबर, और जो भी ऐसे बड़ा वाला चीज़ मिले आप लोग को वो कोशिश करना कि ऐसे फेंक देने के लिए, ये जो मटेरियल्स होता है। और उसके साथ मैं कुछ थोड़ा यूज़ करता हूँ जो कि है खजूर का पत्ता। खजूर का पत्ता भी मैं कुछ कुछ यूज़ करता हूँ, देख लीजिए मैं कैसे बनाया। एक तो मैं ऑलरेडी बना के रख दिया, और ये कोकोनट फाइबर यूज़ करने के टाइम भी बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। जैसे मेरे पास देख पा रहे हो इधर कोकोनट फाइबर है प्लास्टिक पे, इधर भी है खजूर का पत्ता, और ये सब जो चीज़ दिख पा रहे आप लोग को पता है कि मालूम नहीं, मगर इसमें थोड़ा मॉइस्चर लगा हुआ है, मीन्स इसको मैं पूरा तरीके से सुखाया नहीं, थोड़ा भीगा हुआ पार्ट और उसके साथ मिला के जो एकदम ड्राई पार्ट है मिला के मैं नेस्टिंग मटेरियल तैयार करता हूँ। तो चलिए ये नेस्ट बास्केट आप लोग को तैयार करके दिखाता हूँ कैसे मैं नेस्टिंग मटेरियल डालता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको तैयार कर लिया, नेस्टिंग मटेरियल्स डाल दिया। कैसे मैं डाला, पहले मैं एक सर्कल रिंग बनाया जो कि कोकोनट फाइबर से, उसके ऊपर मैं थोड़ा करके इधर उधर करके जो खजूर का पत्ता होता है ड्राई खजूर का पत्ता उसको मैं डाल दिया, और मैं पूरा भरा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा नेस्टिंग मटेरियल उन लोग का केज में ही प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि वो लोग खुद अपने हिसाब से एडजस्ट करके नेस्टिंग मटेरियल डाल पाए नेस्ट के अंदर। तो चलिए ये नेस्ट को फिट करते हैं केज पे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कैसे देखने में है और लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज ही नेस्टिंग बास्केट उसको देने से आज ही नेस्टिंग बास्केट वो लोग ले लेगा, क्योंकि वो लोग ब्रीडिंग मूड पे है अभी। तो देखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं नेस्टिंग बॉक्स लगा के। तो फ्रेंड देखिए, मेरा नेस्ट बास्केट जो था रेडी करके मैं गोल्डन और लॉन्ग टेल को प्रोवाइड कर दिया, और आप लोग देख ही रहे कि गोल्डन का जो मेल है वो कितनी अच्छी तरीके से नेस्ट को चेक कर रहा है और नेस्ट के अंदर भी जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग को बोला ही था ये पेयर पूरा रेडी है, तो देखिए कैसे मेल अंदर जा रहा है, और बहुत सा स्पेस मिल गया, और अच्छी तरीके से देखिए मेल अंदर घुस भी गया, अपना नेस्ट को चेक कर रहा है कि सब सही है कि नहीं। और मैं और एक चीज़ करूँगा जो कि मेरा जो नेस्टिंग मटेरियल्स है कुछ और मैं नेस्ट के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि वो अपने हिसाब से उठा ले, ज़्यादा नहीं दूंगा ताकि अंडा ख़राब हो सके। और इधर दिखाता हूँ लॉन्ग टेल, इसको लॉन्ग टेल को भी मैं प्रोवाइड कर दिया, इधर एक पेयर लॉन्ग टेल है, इधर देख पा रहे तो
इसका भी मैं एक महीना पहले ले आया था, घर सेट हो गया और आज मैं नेस्टिंग बॉक्स देखिए ये भी अंदर चला गया। आशा करता हूँ मैं इससे अच्छा ब्रीड मिले। आप लोग का दुआ मेरे साथ अगर होगा, भगवान का दुआ मेरे साथ होगा तो अच्छा ब्रीड मिलेगा और ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो अब तक के लिए यही था मेरा टॉपिक। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। और जो कुछ भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड आप अच्छे रहे, आपका बर्ड्स भी हेल्दी रहे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।